सबसे पहले आप लोग देख लें, ये लोडर का जो है ना, ये सोलनॉइड कॉइल है। ये क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट मतलब एनर्जाइज होता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यॉर्क के चिलर में जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर था उसके लोडिंग अनलोडिंग के बारे में, लोडिंग अनलोडिंग कैसे काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये यॉर्क का चिलर है, YEA 95। ये इसका चिलर का मॉडल नंबर है। कंप्रेसर का जो मॉडल नंबर है वो है यॉर्क JK 632, उसका मॉडल नंबर है। आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये लोडिंग अनलोडिंग कैसे काम करता है, क्योंकि कई सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया था और पूछा था कि लोडिंग अनलोडिंग के बारे में बताइए, तो इसलिए उनके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी भाई जो भी इस बारे में जानना चाहते हैं उन सबके लिए ये वीडियो है। वो टेक्नीशियन या काम कर रहे हो या जो ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर जो क्लास ले रहे हो, सबके लिए ये काम की वीडियो है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप न करें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उस सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों सब भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी जरूरत हो। आप चाहें तो मेरे वीडियो को अपने चैनल पर पोस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को दिखाना कि लोडर लोडर कैसे काम करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कंप्रेसर, ये सारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और ये एयर कूल्ड चिलर है। एयर कूल्ड का मतलब ये है, ये कंडेंसर, इसमें हवा से कंडेंसेशन इसका होता है। ये हमारा कंप्रेसर खुला हुआ है, मैं आप लोग नजदीक से दिखा दूं। उसका मॉडल थोड़ा मीठा हुआ सा है, लेकिन ये देखिए सामने आपको दिख रहा है JK 632, ये इसका मॉडल है और इसकी बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये वोल्टेज कितना है, कितना RPM है, LRA कितना है, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और इसका जो लोडर लगा हुआ होता है, एक यहाँ पे है और एक इधर है। जैसे आप लोग इधर देख रहे हैं इस वाले कंप्रेसर में, ऐसे उधर भी है, ऐसे दो लोडर इसके अंदर होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक लोडर खोल के दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे ये काम करता है। सबसे पहले आप लोग देख लें, ये लोडर का जो है ना, ये सोलनॉइड कॉइल है। ये क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट मतलब एनर्जाइज होता है। यहाँ पे देखिए, ये इसका जो वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें ये मैग्नेट बनाता है। ये मैं इसका जो कवर है ये निकाल देता हूँ। ये देखिए अंदर से इस तरीके का है और यहाँ पे दो छोटे छोटे होल आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये ऑयल के होल है। और ये वाला जो अंदर है, ये जो आपको दिख रहा है ये सिलेंडर है। मैं सिलेंडर को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसको मैंने पकड़ के निकालना शुरू किया। ये देखिए, ये निकाल दिया, ये इसका सिलेंडर है। यहाँ रख देता हूँ इसको। अब अंदर की अगर बात करें, ये सामने आपको क्या दिख रहा है, इसके अंदर कॉइल दिख रहा है, स्टेटर दिख रहा है, वाइंडिंग दिख रही है और इधर एक प्लेट दिख रहा है जहाँ पे ये बैठता है। और इधर यहाँ पे आप देख रहे हैं होल है, ये हेड का होल है। तो क्या करता है, जब अगर कंप्रेसर जैसे अनलोड होता है ना, अनलोड, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नेट बनता है और इसको इसको क्या करता है, ये अंदर से बाहर की तरफ खींच लेता है। मतलब इसके बराबर तक ही खींचेगा इसे, तो अंदर का होल मिल जाएगा। मतलब अंदर का होल क्या होगा, इस हेड से इधर का होल मिल जाएगा, तो इधर जो प्रेशर बनाएगा वो वापस सक्शन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये सक्शन में वापस चला जाएगा। फिर जब लोड पे देना होगा तो ये क्या होगा, एनर्जाइज छोड़ देगा। एनर्जाइज छोड़ देगा तो ये पूरा अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, इस होल को ये बंद कर देगा, तो फिर ये जो प्रेशर है यहाँ से निकल के इधर डिस्चार्ज में यहाँ चला जाएगा वो। तो इस तरीके से ये लोडिंग पे आता है। लेकिन इसका फंक्शन कैसे काम करता है, लोडिंग का फंक्शन ये एनर्जाइज होने के बाद कैसे काम करता है। एनर्जाइज किसी किसी कंप्रेसर में ये क्या होता है, ये एनर्जाइज होगा तो लोड पे आएगा। मतलब ये मैग्नेट बनाएगा, अगर ये जो कॉइल है इसको एनर्जाइज करेगा, इसमें मैग्नेट पर के खींचेगा, तब लोड पे आता है। किसी किसी में छोड़ने पे आता है। मैं आपको बता देता हूँ कि हर कंप्रेसर का अलग अलग सिस्टम होता है लोडिंग अनलोडिंग का। ये JK मॉडल कंप्रेसर है तो इसका ये सिस्टम है, ये इस तरीके से लोड अनलोड होता है। जब ये सिलेंडर ऊपर आएगा तो लोड पे जाएगा और जब ये सिलेंडर नीचे जाएगा तो लोड छोड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ये ऊपर नीचे कैसे करता है, क्योंकि ये जो मैग्नेट बनाता है, एनर्जाइज होता है और छोड़ता है, उससे कैसे ये ऊपर नीचे करता है। तो आप लोग जानते हैं किसी भी कंप्रेसर में ऑयल का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। तो जो इसका मेन खेल होता है वो ऑयल से होता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऑयल के बारे में। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये ऑयल पंप लगा हुआ है। आप लोगों ने बहुत सारे कंप्रेसर में ऑयल पंप देखे होंगे। ऑयल पंप इसलिए लगाया जाता है ताकि ऑयल का प्रेशर बनाए। बहुत सारी जरूरत होती है हमारे कंप्रेसर में ऑयल प्रेशर की, क्रैंकशाफ्ट के अंदर, कनेक्टिंग रॉड के अंदर, बुशिंग के अंदर, हर जगह इसको ऑयल पहुंचाना होता है। पिस्टन वगैरह एरिया में इसको ऑयल पहुंचाना होता है, इसलिए ऑयल पंप लगाते हैं। तो उसी ऑयल की लाइनिंग अंदर में इसकी पाइपिंग की होती है, जो हर जगह
सर्कुलेट करती है। तो उसी तरह ये आप देख रहे हैं जो ये ऑयल का लाइन इधर आ रहा है, जो दो होल दिख रहा है, तो ऑयल का लाइन क्या होता है, यहाँ से इस ऑयल के लाइन से मैच करता है। तो ये जो एनर्जाइज होता है हमारा जो ये कॉइल है, जो ये कॉइल जब मैग्नेट बनाता है तो ये ऊपर ऊपर की तरफ इसको खींचता है। तो इसमें क्या होता है, मैग्नेट बनने के बाद ये होल को बंद कर देता है, क्योंकि इसमें सिस्टम दूसरा है। तो होल को जब बंद करेगा तो क्या होगा, ऑयल का प्रेशर नहीं आएगा, इधर इस एरिया में नहीं आएगा, तो फिर ये ऊपर आ जाएगा, ये जो सिलेंडर है इसका, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा, इसमें से गैस पास होने लग जाएगा बाईपास। ये जो हमारा हेड है यहाँ पे प्रेशर ये बनाएगा, लेकिन वो प्रेशर वापस इसमें चला जाएगा क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा। और जब लोडिंग पे आएगा तो क्या होगा, इसका जो होल है, होल खुल जाएगा, इसको ऑयल का होल ना, रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि ये एनर्जाइज जब होगा तो बंद कर देगा होल, और जब ये बंद हो जाएगा, एनर्जाइज छोड़ देगा, मैग्नेट छोड़ देगा, तो ये होल खुल जाएगा। तो होल खुल जाएगा तो यहाँ से प्रेशर बनेगा और दूसरे लाइन में गुजरेगा, उससे क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर बनेगा, तो इसको नीचे की तरफ दबा के रखेगा, जो ये हमारा सिस्टम है इसके पैकिंग को नीचे टच हो जाएगा और इसको बराबर पुश करके रखेगा। इसमें एक रिंग भी है, ये आप लोग जो देख रहे हैं, रिंग है, गिर जाता है तो लोडिंग का इशू भी आता है। तो इसको पुश करके जब रखेगा तो इसका गैस बाईपास नहीं होगा और हेड में बराबर आएगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये सारा ऑयल का भी कमाल है, ऑयल प्रेशर से भी लोडिंग का सीधा सीधा कनेक्शन है, क्योंकि ऑयल प्रेशर अगर अच्छा नहीं होगा तो लोड पे भी सही से नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका लोडिंग और अनलोडिंग काम करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों सब भी शेयर करें। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।